सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोफोन हंगामा ऑफर के बारे में। दोस्तों लोग सभी जानते हैं कि 21 जुलाई को जियोफोन हंगामा ऑफर आने वाले। बेसिकली हम 501 रुपये देकर अपना कोई भी कीपैड का पुराना मोबाइल देकर जाएंगे और बढ़िया सेंसिक जियो का फोन ले पाएंगे। पर क्या आपको पता है कि कैसी एक ऐसी कंडीशन दी गई है कंपनी ने, ऐसी ऐसी कंडीशन दी गई है जो कि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में सारी कंडीशन आपको बताने वाला हूँ और पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि क्या क्या कंडीशन पूरी तरह से अगर आप फॉलो कर लेते हो तो भी जो एक लास्ट की ऐसी कंडीशन है अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको मोबाइल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के किसी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेसिकली इसमें आपको 10 ऐसी कंडीशन बताने वाला हूँ जिनको अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हो तो आपका मोबाइल जियो एक्सचेंज ऑफर के लिए अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों पहली जो कंडीशन है मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग की 4 ऐसी कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी होगी और 5 से लेकर 9 तक की कंडीशन बेसिकली दुकानदार फॉलो करेगा और जो लास्ट की ऐसी कंडीशन है जो दुकानदार फॉलो करेगा बेसिकली, अगर उस कंडीशन में आपका मोबाइल चाहे बिल्कुल डब्बा पैक नया फोन क्यों ना हो, आपका मोबाइल चाहे 2 दिन पुराना भी क्यों ना हो, अगर उस कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते आपका मोबाइल तो आपको मोबाइल जियो फोर एक्सचेंज ऑफर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो दोस्तों पहले जो मिथ है वो क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को लगता है कि हमारा मोबाइल किस कंपनी का अवेलेबल होना चाहिए तो ही एक्सेप्टेबल होगा। मतलब कि आपको मोबाइल चाहे मेड इन इंडिया हो, मेड इन चाइना हो, चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, बस वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए तो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल होगा। अब दोस्तों जो पहली कंडीशन है बेसिकली वो ये है कि आपका मोबाइल जनवरी 2015 के बाद का होना चाहिए और वो पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अब दोस्तों जो दूसरी कंडीशन बेसिकली वो ये है कि आपका मोबाइल चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, चाहे आपका मोबाइल नॉन वोल्टी हैंडसेट हो, आपके मोबाइल चाहे एंड्रॉयड मोबाइल क्यों ना हो, अगर आप जियो फोन उसके बदले में भी लेना चाहते हो तो आप बड़ी एसन से 501 रुपये देकर जियो फोन उसके बदले में ले सकते हो। अब दोस्तों जो तीसरी कंडीशन बेसिकली वो ये है कि अगर आपके पास पहले से जियो का फोन है तो वो एक्सचेंज नहीं करा सकते, अगर आपके पास CDM में सेट है तो नहीं करा सकते, अगर आपका पार्टिकुलर मोबाइल किसी भी एक नेटवर्क के लिए, किसी भी एक सिम कार्ड के लिए लॉक है तो एक्सचेंज नहीं कर सकते तो आप इस ऑफर के लिए अवेलेबल नहीं हो। तो दोस्तों जो फोर्थ नंबर पे जो कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी होगी वो ये है कि आपका मोबाइल चालू कंडीशन में तो होना ही चाहिए, साथ में उसकी बैटरी भी वर्किंग कंडीशन में हो, साथ ही आपके पास उस मोबाइल का चार्जर भी होना चाहिए। अब दोस्तों उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको किसी तरह की कोई एसेसरीज ईयरफोन या फिर किसी भी तरह की कोई एसेसरीज आपको नहीं चाहिए, ना ही बिल चाहिए, ना ही उसका डब्बा चाहिए। अब दोस्तों जो दुकानदार बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करेगा वो आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ नोटिस जो करेगा वो करेगा LCD किसी तरह से कोई डैमेज तो नहीं है, अगर आपके मोबाइल की LCD डैमेज होगी तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा, अगर आपकी LCD पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अगर आपके मोबाइल की बॉडी किसी तरह से भी कोई डैमेज होगी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो है बेसिकली अगर आपके मोबाइल पे किसी तरह से कोई टेप यूज की गई है तो किसी भी तरह से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब दोस्तों जो फाइव नंबर पर जो दुकानदार आपके मोबाइल में नोटिस करेगा वो ये करेगा कि अगर आपका मोबाइल किसी तरह से भी कोई जला हुआ या फिर साइड में ऐसा कोई पार्ट है बेसिकली जो गुम हो चुका है या फिर आपके मोबाइल का कोई भी पार्ट गुम होगा तो वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब दोस्तों जो 10वें नंबर की जो बेसिकली मिथ जो कंडीशन है वो ये है कि आपको मोबाइल से डब्बा पैक भी क्यों ना हो, आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर अगर दुकानदार अपनी जियो पोज एप्लीकेशन में जब रजिस्टर करके देखेगा, जब आप लेके जाओगे उस मोबाइल को, अब जब एक्सचेंज ऑफर के लिए जियो का फ़ोन देंगे आपको तो उससे पहले आपका जो मोबाइल है उसका IMEI नंबर नोटिस किया जाएगा, रिकॉर्ड में चढ़ाया जाएगा, तो IMEI नंबर पर अगर किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आपका मोबाइल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो दोस्तों सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर इन कंडीशन को अगर आप फॉलो कर पाते हो तो ही आप जियो का फ़ोन ले सकते हो, अगर ये कंडीशन आप फॉलो कर सकते हो तो ही आप जियो का फ़ोन किसी भी अपनी नज़दीकी दुकान पे जाकर 21 जुलाई के बाद में आप ले पाओगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैंने कहा कि बाय, टेक केयर, जय हिंद।